तपस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात्। मम्मी जल्दी करो, हमें जाना है। अरे जिया बेटा, तूने दही देखी है? मैंने फ्रिज पे रखी थी, पता नहीं कहाँ है। वो तो शांति आंटी सवेरे सवेरे ले गई। बिट्टे मुंह, अब क्या करूं मैं? बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू नानी। नानी बेस्ट तो तब होगा जब मम्मी हमें यहाँ से जाने देंगी। राधा शुभ घड़ी निकली जा रही है। अरे मम्मा वो शांति की बच्ची है ना। वो बच्ची? उसका तो सिर्फ एक बच्चा है। इसकी इम्तिहान के चक्कर में तेरा दिमाग भी खराब हो रहा है क्या? मम्मा शांति जी दही लेकर चले गई है, अब मैं इन बच्चियों को क्या खिलाऊं? दही, दही है ना वो फ्रिज के ऊपर। हाँ मैंने देखा था, चलो चलो जाओ। अच्छा हाँ फ्रिज के ऊपर दही। आ आ बेस्ट ऑफ लक, ला जा फ्रिज के ऊपर जा। मिल गई। ऑल द बेस्ट। बाय मामा, बाय नानी। बाय बाय। शिवलिंग सर्वलिंग जो पढ़ा नहीं पढ़ा सब याद रहेंगे, एग्जाम अच्छा अच्छा होएंगे। बाय नानी। ये ध्रुव नजर नहीं आ रहा। कैसे नजर आएगा, पैम भी तो कहीं नजर नहीं आ रही। गया होगा कहीं पैम के साथ। ध्रुव ऐसा नहीं है। देखा वो रात दूर, मैंने कहा था ना ध्रुव ऐसा नहीं है। चल। हाय ध्रुव। अरे कहाँ थी अब तक, कब से ढूंढ रहा हूँ तुम्हें। हाय मीका। कल तो तुम क्या हुआ ध्रुव, इतने परेशान क्यों लग रहे हो? मैं पागल हो जाऊंगा, कुछ समझ में नहीं आ रहा। क्या हुआ मुझे बता। अच्छा ये इक्वेशन कैसे सॉल्व होती है? 100x upon 100x plus 2y minus 5 is equal to 200x plus. अरे 98x is equal to 199y plus 5. Y is equal to x minus 2. 98y is equal to 199y minus 293. आप हमें ऐसे ना देखिए, हम पलक झपकना भूल जाएंगे। If 101y is equal to 393x, therefore y is equal to 101 upon y is equal to 3.89. Therefore, y is equal to 3.89 minus 2. That is 1.89. ये मुझे कल तक तो नहीं आ रहा था, आज कैसे आ रहा है? कल जिया ने कहा था कभी कभी ख्वाहिश भी जादू का काम कर जाती है ना राजा। तेरे बस की बात नहीं है, तुम छोड़ दो। मैम को जरूर मालूम होगा। ये क्या है जेट, तुम्हें मना किया था ना एग्जामिनेशन हॉल में नो चीटिंग, स्टैंड अप। स्टॉप। ये तुम्हारी नहीं है, तुम्हें मालूम नहीं ये क्या है, बचपन से सुनते आ रहा हूँ मैं। चलो प्रिंसिपल के ऑफिस। लेकिन सर मैं कसम खा के, मैंने कसम खाओ, जहर खाओ, कुछ भी खाओ, लेकिन मेरा दिमाग मत खाओ। मैं बहुत नफरत करता हूँ तुम जैसी लड़कियों से जो भोली शक्ल बनाकर नकल करती हैं। चलो अब टाइम मत वेस्ट करो। रब की, गॉड की, भगवान की, मम्मी की, पापा की, नानी की, मैं सबकी कसम खा के कहती हूँ सर मैंने चीटिंग नहीं की। पता है मेरी मम्मी एक टॉपर हैं और मेरे पापा डॉक्टर, मेरी तो पूरी फैमिली में कभी किसी ने चीटिंग नहीं की। देखो जिया, मैं मानता हूँ कि तुम क्लास में हमेशा फर्स्ट आती हो,
लेकिन जब तक तुम मुझे नहीं बताओगी कि चीटिंग किसने की है, मैं लोगों को कैसे कन्विंस करूं? नाउ प्लीज स्टॉप क्राइंग, मेरा दिल पिघल रहा है, समझी क्या? लेकिन मेरे हाथ भी बंधे हुए हैं, जब तक तुम मुझे नहीं बताओगी, आई हैव ओनली वन वे, आई विल हैव टू सस्पेंड यू चैप्टर। वो नहीं बताएगी सर, गलती मैंने की है। ये कहानी में नया ट्विस्ट कहां से आ गया? ये ट्विस्ट नहीं, गलती मैंने की है, चीटिंग मैं कर रहा था। गलती से मेरा चिट जाकर जिया के टेबल पर जा गिरा और इन्होंने सोचा कि जिया चीटिंग कर रही थी। तुम चीटर हो या फिर सत्यवादी हरिश्चंद्र, और या तो जिया के दोस्त जो उसे बचाने की कोशिश कर रहे हो? सर मैं कह रहा हूँ ना, चीटिंग मैंने की है। ओके देन जिया, यू गो एंड कंप्लीट योर पेपर, और आप यहाँ बैठिए टिल योर पेरेंट्स कम। आई सेड जिया गो। मुझे बताने चली थी कि चीटिंग करनी बुरी बात है, और खुद ही फंस गई, वो भी बिना चीटिंग किए हुए। अब मजा आएगा जब कॉलेज से वो सस्पेंड होगी और उसे निकाला जाएगा, तब उसे पता चलेगा कि पैम के साथ पंगा पड़ता है कितना महंगा। महंगा महंगा। बाय जिया। तुम्हें क्या लगा कि मैं कॉलेज से सस्पेंड हो जाऊंगी? ओह, तो प्रिंसिपल को तुम पर दया आ गई? नहीं, ना तो उन्हें दया आती है और ना ही कभी आएगी। गुड आफ्टरनून। जल तू जला तू, सच का दिखा कमाल तू, हवा आ उड़ा जा, सारे पर्चे दिखा जा। जी गई, बहुत बुरी सजा मिलेगी परमिंदर सोनी। परमिंदर सोनी नहीं, पैम। तुम पैम हो कि ब्रेड जैम हो? चलो प्रिंसिपल के पास, कम ऑन। मैंने बड़े बड़े बेवकूफ देखे पर तेरे जैसा बेवकूफ नहीं देखा। पता नहीं क्यों मैं इतनी नर्वस हो गई और कह ही नहीं पाई कि पैम असली चीटर है। मैं एग्जाम की चीटिंग की बात नहीं कर रही हूँ, मैं किसी और चीटिंग की बात कर रही हूँ। कैसी चीटिंग? अरे पागल, प्यार का एहसास। तुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ध्रुव तुझसे इतना प्यार करता है पर कहने से शर्माता है, और तू है कि समझ नहीं पा रही है। तुझे किससे कहा? भगवान ने आकर कहा, कान में कहकर गए। स्टूपिड, मेरे दिल ने कहा। तेरा दिल कुछ नहीं कहता? अकल तो ये कहती है कि ध्रुव अगर तुझसे प्यार नहीं करता था तो थोड़ी ना पूरा इल्जाम अपने आप पर लेता था। पागल, क्लास में फर्स्ट आती है पर इतना भी नहीं समझ पाती। देख, मैंने ध्रुव को यहाँ पे बुलाया है, देखते देख वो आ रहा है। अपने दिल की बात कह देना, ओके? बाय। नहीं मीता, देख सुन मीता। हाय हाय हाय। मीता कह रही थी कि तुम मुझसे कुछ कहना चाहती हो। लेकिन अभी अभी तो वो कह कर गए कि तुम मुझसे कुछ कहना चाहते हो, लेकिन कह नहीं पा रहे हैं। उसे कैसे पता? वो हम दोनों से इन चीज़ों में थोड़ा आगे है ना। कहो क्या? वही जो तुम कहने आए हो। हाँ, वो तुम्हें थोड़ा अजीब लगे इसीलिए। कह कर देख लो। वो मैं कहो ना। वो मैं तुमसे कहो ना। वो मैं तुमसे तुम्हारा स्लीपिंग बैग बोरो करना चाहता हूँ, कल ट्रैकिंग है ना इसलिए। नमस्ते मम्मी जी। शांति, आओ आओ बैठो। मम्मी जी आप कितनी अच्छी हैं, मुझे प्यार से बिठाती हैं, वरना कुछ लोगों को तो मेरा यहाँ आना अच्छा ही नहीं लगता। नहीं लगता तो ना लगे, तुम क्यों चिंता करती हो? तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय बना के लाती हूँ। मम्मी जी मलाई मार के लाना, वरना कुछ लोग तो बिना दूध की चाय पिला देते हैं मुझे। बहुत बोलती है, फिक्र मत करो शांति, तो जैसे दूध मलाई वाली चाय पिलाऊंगी तेरी बोलती ही बंद हो जाएगी। लो शांति बेटा चाय लो। अरे मम्मी जी इतनी जल्दी चाय ले आए आप? अरे वाह, इसमें तो वाकई बहुत मोटी मलाई तैर रही है। ये मलाई नहीं है आशांति, ये तेरा मुँह चिपकाने वाला गम है, पी के देख। एक घूंट के बाद दूसरे के लिए मुँह नहीं खुल पाऊंगी। क्या हुआ? मैं कुछ मुंह खोलने के लिए लेके आती हूँ। हे भगवान, ये राधा की सास ने क्या डॉक्टर पिला दिया? लो शांति चाय लो। अरे देखो दूध मलाई से भरी हुई है। अरे पीछे तो देखो क्या हुआ। अरे शांति जी आप कब आई?
क्या बात है, आपका मुंह नहीं खुल रहा? पता नहीं राधा, तुम्हारी सास ने क्या जाके चाबी दे दिया, मुंह नहीं खुल रहा है। अरे मैंने मैंने कहा, अरे मैं तो चाय अभी लाई हूँ। शांति, मैंने तुम्हें कुछ चाय में दिया क्या? देखा देखा, हे भगवान, ये औरत तो पड़ोसन के साथ हमारे संबंध भी खराब कर देगी। मुंह खोलो शांति बेटी, मुंह खोलो। क्यों शांति जी का मुंह खुलवा रही हो, पहले से क्या कम खुला है? अरे जानू, तो मुंह ड्राई हो गया है। ओह वेरी गुड, क्या कैसे? तुम्हारी मम्मी जी ने पता नहीं क्या चाय में डालती थी। मम्मी जी? नहीं चिट्टू, मैंने कुछ नहीं किया। मम्मी जी, ऐसा करने की क्या जरूरत थी? अगर शांति जी इतना बोल रही थी तो घर से बाहर निकाल देना चाहिए था। मुझे पढ़ने की क्या जरूरत थी? रहने दीजिए शांति जी, आप मेरे साथ चलिए। लगता है ऑपरेशन करना पड़ेगा ना? नहीं नहीं, खींच खाच के भूख बोल देंगे। क्या जरूरत थी ऐसा करने की? मैंने तो कुछ किया ही नहीं। क्या जरूरत थी झूठ बोलने की? मैंने तो कुछ बोला ही नहीं। क्या जरूरत थी कुछ बोलने की? मुझे लगता है मैंने यहाँ आके बहुत गलती कर ली। क्या जरूरत थी यहाँ आने की? मुझे लगता है मुझे तो यहाँ से चले जाना चाहिए। क्या जरूरत है जाने की? हाँ हाँ, जरूरत है जाने की।